नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीवनी टेक को और दबाइए इस बेल आइकॉन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। केरला हाईकोर्ट के फैसले के बाद जिन पेंशन धारकों की पेंशन को ईपीएफओ द्वारा रिवाइज की गई है, तो ईपीएफओ रीजनल ऑफिस मैसूर की तरफ से इन पेंशन धारकों की रिवाइज पेंशन लिस्ट जो है वो यहाँ पर जारी की गई है। तो इसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि अगर इस लिस्ट में आपका भी नाम है तो इसके बारे में आपको पता चल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय मैसूर की तरफ से रिवाइज पेंशन लिस्ट जो जारी की गई है तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो लिस्ट है वो 14 नवंबर 2019 को जारी की गई है। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ईपीएफओ से आरटीआई के माध्यम से कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहला सवाल पूछा गया था द कम्प्लीट लिस्ट ऑफ एनहांस पेंशन सैंक्शन आफ्टर केरला जजमेंट डेटेड 12th October 2018। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो सवाल पूछा गया था द एस्टेब्लिशमेंट वाइज एनहांस पेंशन सैंक्शन लिस्ट में बी प्रोवाइडेड द अबाउ लिस्ट में बी इन द फॉलोइंग मैनर नेम एंड रिटायरमेंट डेट एस्टेब्लिशमेंट ईपीओ नंबर ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन एरियस रिमिटेड बाय पेंशनर्स एरियस पेड टू पेंशनर्स। तो इन सभी की लिस्ट जो है वो यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा प्रोवाइड की गई है, तो इसे भी अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो रिवाइज पेंशन की लिस्ट ईपीएफओ रीजनल ऑफिस मैसूर की तरफ से जारी की गई है जिसमें पेंशनर्स का नाम है, उसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट है, उसके बाद यहाँ पर ईपीएफ का जो अकाउंट नंबर वो है, न्यू पीपीओ नंबर है, ओल्ड पीपीओ नंबर है, ओल्ड पेंशन है, उसके बाद जो नई पेंशन सैंक्शन हुई है, उसके बाद अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट रिमिटेड बाय द पेंशनर्स, उसके बाद यहाँ पर पेंशन एरियस पेड टू द पेंशनर्स। तो इन सभी के बारे में जो है दोस्तों यहाँ पर इस लिस्ट में जानकारी दी गई है। इस लिस्ट का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए दे के रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक करके ये जो डिटेल लिस्ट है वो आप ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस रिवाइज पेंशन लिस्ट में आपका भी नाम है क्या। तो जी हाँ, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को केरला हाईकोर्ट के फैसले के बाद रिवाइज किया गया था और उनकी जो लिस्ट है वो यहाँ पर ईपीएफओ मैसूर कार्यालय से जारी की गई है। तो ये जो सवाल है दोस्तों, आप में से किसी एक ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा आरटीआई के माध्यम से ईपीएफओ से पूछे गए थे जिसके अगेंस्ट में जो है वो ईपीएफओ द्वारा ये जो लिस्ट है यहाँ पर जारी की गई है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इसमें जो है वो कुल 192 पेंशन धारकों के नाम है जिनकी पेंशन को रिवाइज किया गया, उसके बाद उनकी जो रिमिटेड अमाउंट है उसे रिकवर करके एरियर्स जो है वो पेड किए गए हैं। आगे यहाँ पर इस लिस्ट में लिखा गया है एज पर हेड ऑफिस मेल डेटेड 24th May 2019 प्रोसेसिंग ऑफ पेंशन ऑन हायर वेजेस हैज बीन पुट ऑन होल्ड एंड 26 डीडी रिसीव्ड वेयर रिटर्न वीकली रिटर्न ऑन रिवीजन ऑफ पीपीओस ऑन हायर वेजेस केसेस फ्रॉम 2nd November 2019 to 8th November 2019 नील दिस ऑफिस हैज स्टॉप प्रोसेसिंग ऑफ हायर वेज पेंशन केस आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ दिस सिनोप्सिस डेटेड 24th May 2019 फ्रॉम दैट डेट व्हाट एवर डीडी वेयर रिसीव्ड फ्रॉम पेंशनर्स टुवर्ड कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट द सेम अमाउंट हैव बीन क्रेडिटेड टू पेंशनर्स सेविंग बैंक अकाउंट थ्रू एनईएफटी एंड पेंशनर्स वेयर इन्फॉर्म दैट हायर वेज पेंशन केसेस विल बी प्रोसेस ओनली इन केस वेयर ज्वाइंट ऑप्शन अंडर पैरा
26 ऑफ 6 हैव बीन रिसीव्ड बाय दिस ऑफिस। तो जिया दोस्तों, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जो लिस्ट जारी की गई है, तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देते हुए ईपीएफओ द्वारा कहा गया है कि 24 मई 2019 का जो मेल ईपीएफओ हेडक्वार्टर से उन्हें रिसीव हुआ, उसके बाद जो है वो उन्होंने यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर हायर पेंशन की जो केसेस है उसे रोक दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो है वो लगभग 192 पेंशन धारकों के नाम है। इस लिस्ट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, वहां से आप इस लिंक को ओपन करके आपकी भी पेंशन रिवाइज हुई है क्या उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो बोल दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुझे आपको इसी के बारे में जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दूसरे पेंशन धारकों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि इसके बारे में जो है दोस्तों बाकी पेंशन धारकों को भी पता चल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है जिसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।